सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। आप देख रहे हैं ब्लूबर्ड का टूरिस्ट वीज़ा का चैनल, जहां पर टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड हम वीडियोस जो हैं शेयर करते रहते हैं। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस पर काफ़ी वीडियोज़ जो हैं वो आती रहती हैं जो टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड होती है, जिसमें हम अपडेट्स शेयर करते हैं, न्यू ट्रेंड शेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में बताते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आज हम आपके साथ जो शेयर करने वाले हैं इन्फॉर्मेशन, ये है ऑस्ट्रेलिया के 600 सब क्लास वीज़ा के बारे में। काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं कि जो 600 सब क्लास का वीज़ा, ये कैसे लिया जाए। एक्चुअल में 600 सब क्लास है क्या? 600 सब क्लास है जिसमें आपका टूरिस्ट और विजिटर कैटेगरी का वीज़ा आता है। मीन्स आप 3 महीने तक ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं ऑन टूरिस्ट वीज़ा एंड विजिटर वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा का मतलब है कि आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, होटल बुकिंग्स आपने दी हुई हैं, आप घूमने जा रहे हैं, तो टूरिस्ट वीज़ा की कैटेगरी में आता है। और विजिटर वीज़ा आपका जो आता है वो आता है कि आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है, आप अपने फैमिली मेम्बर को मिलने जा रहे हैं, तो वो जो वीज़ा आता है वो विजिटर कैटेगरी में आता है। जब आप होटल बुकिंग पे वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको होटल बुकिंग्स की जो कॉपी हैं वो साथ में लगानी होती हैं, साथ में एक प्रॉपर ट्रैवल प्लान देना होता है, और साथ में आपको एक प्रॉपर ट्रैवल आइटनरी भी साथ में लगानी है, और एक कवर लेटर भी लिखना है कि आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है, ऑस्ट्रेलिया आपने क्यों चूज़ किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया आप क्यों जाना चाह रहे हो। उस केस में क्या होता है कि आपको टूरिज़्म कैटेगरी में वीज़ा मिलता है। उस वीज़ा को लेने के लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है, आप एक सर्च करें कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से प्लेस हैं जहाँ घूमने के लिए ठीक होते हैं वेदर के अकॉर्डिंग। आप समर में जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपने प्लेस चूज़ करें। तो उसमें जो इजी वे होता है वो होता है कि आप बड़े इजीली जो है वीज़ा ले सकते हैं, क्योंकि आपने सही तरीके से एक्सप्लेनेशन की हुई है। उस केस में वीज़ा रिज़ल्ट आपके ज़्यादा बेस्ट होते हैं। जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें तो अपनी होटल बुकिंग और ट्रैवल प्लान, और साथ में आप एयर टिकट की कॉपी भी लगा सकते हैं, और कवर लेटर में आप पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है वो सही तरीके से लिख के एक लगा सकते हैं, जिससे कि आपके वीज़ा के चांस अच्छे हों। तो इसके बाद जो स्पॉन्सर वीज़ा है उसमें क्या होता है कि आपका कोई फैमिली फ्रेंड है, आपका रिलेटिव है जो ऑस्ट्रेलिया में सिटीजन है या परमानेंट रेजिडेंस है, आप उनसे एक इनविटेशन लेटर लें जिसमें वो मेंशन करें कि आपको वो अपने पास बुला रहे हैं, आप उनके पास विज़िट करेंगे, आप उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, और वो आपको कुछ जो है ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेसेस हैं वो घुमाएंगे। तो उस केस में क्या होता है कि आपका वीज़ा निकलने के चांस अच्छे होते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो विजिटर क्लास में काफ़ी वीज़ाज इशू करते हैं, वो आपकी स्पॉन्सरशिप को वेरीफाई करते हैं। आपके स्पॉन्सर के पास कॉल भी जा सकती है, ईमेल भी जा सकती है, वहाँ से वेरीफिकेशन हो जाती है, तो वीज़ा के निकलने के चांस जो है पूरे हो जाते हैं। इसलिए एक जो स्पॉन्सर आप लेने जा रहे हैं या इनविटेशन लेटर जो लेने जा रहे हैं, वो अपने ब्लड रिलेशन से लेने की कोशिश करें। फ्रेंड है तो फ्रेंड के आप प्रूफ लगाएं कि आप फ्रेंडशिप आपकी कैसे हुई है, आपने इकट्ठे कहीं पे जॉब की है, आप एक ही गांव के रहने वाले हैं, या फिर आप पहले इकट्ठे आपने स्टडी की हुई है। तो ऐसे प्रूफ आप यदि साथ में लगा देते हैं तो आपकी फ्रेंडशिप के प्रूफ हो जाते हैं। ब्लड रिलेशन है तो ब्लड रिलेशन में आप अपनी फैमिली ट्री के रिकॉर्ड लगाएं कि आपका ब्लड रिलेशन कैसे बन रहा है, वो रिकॉर्ड साथ में लगा दें, तो वीज़ा के चांस आप ऑटोमेटिक उसमें इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये दोनों कैटेगरीज जो है वो 600 सब क्लास के अंदर आती है। तो इसमें जो आपका वीज़ा इशू होता है वो 1 साल से लेकर 3 साल का वीज़ा इशू होता है, जिसमें आप 3 महीने कंटिन्यू जो है ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं, और मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, मीन्स आप मल्टी टाइम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में विज़िट कर सकते हैं। तो ये एक कैटेगरी है जिसमें वीज़ा लेना आसान भी होता है और वीज़ा बहुत ईजिली आ जाता है। तो यदि आपने ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा 600 सब क्लास में अप्लाई करवाना हो तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके आप अप्लाई करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इनकेस कॉल ना पिक हो पाए तो सेम नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दें, हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगी। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सत श्री अकाल।